नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ गूगल पे से ट्रेन का टिकट बुक कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं गूगल पे के न्यू अपडेट में गूगल पे ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह का हेल्प वीडियो को देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गूगल पे ऐप से ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल पे ऐप का होम पेज ओपन हो चुका है। ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे आपको सर्च बार दिया गया है, आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रेन TRAIN। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ ट्रेन बुक ट्रेंस, आपको सिंपल इस पर ही क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं, व्हेयर फ्रॉम में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं और व्हेयर टू में सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें छपरा सिवन जाना है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं छपरा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सिवान। इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिपार्चर डेट पे आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितने तारीख को सफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमें 28 तारीख का टिकट बुक करना है 28 अप्रैल को, तो यहाँ से हम 28 तारीख सेलेक्ट करते हैं 28 अप्रैल। इसके बाद यहाँ पर डाउन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि उस रूट के लिए उस डेट में जितना भी ट्रेनें हैं उस ट्रेन का लिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं। ट्रेन का नंबर, ट्रेन का टाइम टेबल सब कुछ आप यहां पे चेक कर सकते हैं और किस ट्रेन में किस क्लास में कितना सीट अवेलेबल है और किसका किराया कितना है सब कुछ यहां पे आप देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमें सबसे फर्स्ट वाली ट्रेन में टिकट बुक करना है, इसका ट्रेन का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेन का टाइम टेबल आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लीपर का किराया कितना है और यहाँ पर थर्ड AC का किराया कितना है और 2A का किराया कितना है और कितना सीट अवेलेबल है आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि हमें फर्स्ट वाली ट्रेन में 2S में टिकट बुक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2S का 55 रुपये किराया है और इसमें 27 को सीट अवेलेबल है। तो हमें 2S में टिकट बुक करना है तो हम 2S पे क्लिक करते हैं। यदि आपको स्लीपर में टिकट बुक करना है तो आपको SL पे क्लिक करना है, आपको 3rd AC में बुक करना है तो आपको 3A पे क्लिक करना है। इस तरह से आप जिसमें टिकट बुक करना चाहते हैं जिस क्लास में उस पर आपको क्लिक करना है। तो हमें 2S में टिकट बुक करना है तो हमने 2S पे क्लिक करते हैं। इसका तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, आपको स्कॉट डाउन करके नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है IRCTC यूजर ID। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना IRCTC का यूजर ID डालना है। दोस्तों, अभी तक आपने IRCTC में अकाउंट नहीं बनाया है, यूजर ID पासवर्ड नहीं बनाया है, तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो को बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से IRCTC में अकाउंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने IRCTC में अकाउंट पहले से बना लिया हूँ, तो यहाँ पर मैं IRCTC का यूजर ID डाल देता हूँ। फ्रेंड्स, IRCTC का यूजर ID डालने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसको तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यूजर ID वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे पैसेंजर का नाम डालना है, यानी कि जिनके नाम से आप टिकट बुक करना चाहते हैं उनका नाम आपको डालना है। इसके नीचे एज डालना है, इसके नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जिससे कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने नाम से टिकट बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अपना नाम डाले हैं, इसके नीचे एज डाल दिए हैं, इसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस अपनी चॉइस से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके साथ में कोई और भी पर्सन है ट्रेन से सफ़र करने के लिए, आप उनका भी टिकट बुक करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा ऐड पैसेंजर, आपको इस पर क्लिक करना है और उनका भी डिटेल आपको इसमें फिल कर देना है। उनका नाम डालना है, एज डालना है और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपके साथ में जितना भी पर्सन है आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक, उतने पर्सन का नाम आपको ऐड कर देना है। यदि आपके साथ में कोई बच्चा है, चाइल्ड है, आप बच्चा का भी टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको ऐड चाइल्ड पर क्लिक करना है और आपको बच्चा का भी डिटेल डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है। पैसेंजर का मोबाइल नंबर डाल देने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको ये तीनों बॉक्स को टिक करना है। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अपना IRCTC का पासवर्ड पता है, तो फ्रेंड्स यदि आपको अपना IRCTC का पासवर्ड पता है तो आपको इस बॉक्स को टिक करना है।
यदि आप ISETC का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ISETC का पासवर्ड पता है तो हम इस बॉक्स को टिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको कुछ सेकेंड के लिए वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा जिसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप दे सकते हैं जिस ट्रेन में आप टिकट बुक करने जा रहे हैं उस ट्रेन का टाइम टेबल, ट्रेन का नंबर सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लास और नीचे आप किराया चेक कर सकते हैं, टोटल आपको कितना रुपया पे करना होगा। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पे के बटन पे क्लिक करना है। जिससे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना UPI पिन डालना है। UPI पिन को डालने के बाद में आपको राइट क्लिक पे क्लिक करना है। जिससे आप राइट क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपका ट्रेन का टिकट बुक हो जाएगा और यहाँ पे PNR नंबर और बर्थ सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें ट्रेन का टिकट बुक नहीं करना था इसलिए हमें यहाँ पे पेमेंट नहीं किए। यदि हम यहाँ पे पेमेंट करते तो हमारा ट्रेन का टिकट बुक हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप गूगल पे ऐप से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप सबको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।